वही जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पर राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते यात्रीगण फर्जी तरीके से पंजीकरण बनवाकर यात्रा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 80 लोग फर्जी पंजीकरण करवाकर चार धाम यात्रा करते पाए गए। इसके तहत ही प्रशासन द्वारा गंगोत्री धाम पर यात्रियों का पंजीकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें यात्रियों का पंजीकरण चेक किया जा रहा है। ज़्यादातर लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा के आ रहे हैं, डेट एडिट करके आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ऐसा ना करें। कितने रजिस्ट्रेशन है जो एडिट? अभी हमने 38 लोगों को ये आपके सामने पकड़ा है, ये फर्जी रजिस्ट्रेशन है, टूर एंड ट्रेवलर्स वाले ये करवा के दे रहे हैं उनको अपना पैकेज बनाने के लिए। तो इस तरीके से व्यवस्था खराब हो रही है, गाड़ियाँ फंस रही है, जाम लग रहे हैं दुनिया भर के। तो अगर लोग प्रॉपर अपनी डेट में आए तो एक मैनेजमेंट सही चल सकता है। आप अभी तक टोटल कितने फर्जी आए? हमने अभी 80 लोगों को पकड़ लिया है।